नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन अंतर्गत बिजली बिल की बकाया राशि वसूलने गए बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ दो भाइयों ने जमकर विवाद किया। लाठी से वार कर एक कर्मचारी को जख्मी भी कर दिया और वाहन फोड़ने की धमकी दी। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। तहसील पुलिस ने खदान निवासी हरीश रज्जूलाल नायक की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोपियों में टिमकी रोड नाल साहब चौक निवासी सतीश बच्चूलाल गुप्ता और गौरव आनंद गुप्ता का समावेश है। हरीश गांधीबाग कार्यालय में काम करता है। मंगलवार की सुबह अपने स्टाफ के साथ एरिया में बकाया बिल राशि वसूलने और कार्रवाई करने गए थे। गुप्ता बंधुओं ने बिजली का बिल नहीं भरा था। बिजली कर्मियों ने उन्हें कम से कम 50% राशि भरने के बाद ही बिजली की लाइन शुरू रखने की जानकारी दी। इससे दोनों चिढ़ गए। सतीश ने हरीश के साथ गाली गलौज कर लाठी से प्रहार किया, जिससे उनके हाथ में गंभीर चोट लगी। गौरव ने हाथ में पत्थर उठा लिया। कार्रवाई करने पर गाड़ी फोड़ने की धमकी दी। तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। तहसील पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया है।